सलमान की भारत से जुड़ी यह अहम वीडियो हो रही वायरल। इस शख्स ने डाली सोशल मीडिया पर। बॉलीवुड के दबंग खान इन दिनों में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत को लेकर खासा चर्चा में हैं। खबर है कि फिल्म के पोस्टर के बाद अब टीजर रिलीज होने वाला है, लेकिन इससे पहले फिल्म से एक जुड़ी एक वीडियो सामने आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो को अतुल अग्निहोत्री ने शेयर किया है। वीडियो में फिल्म से जुड़ी खास चीजें देखने को मिल रही है। वीडियो में दिख रहे शॉट के मुताबिक इसमें फिल्म भारत की शूट लोकेशन की तस्वीरें और वहां मौजूद कुछ लोगों की झलक पेश की जा रही है। वीडियो को देखकर लगता है कि ये लोकेशन माल्टा, सऊदी अरब, मुंबई और पंजाब की है। बता दें कि इन जगहों पर ही भारत की शूटिंग हुई है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में फिल्म का कोई सीन और किसी कलाकार की झलक नहीं है। बात करें फिल्म की कहानी की तो बता दें कि यह 1947 भारत पाक के विभाजन पर आधारित है। खबर है कि फिल्म में सलमान खान के 5 अलग अलग लुक में देखने को मिलेंगे। फिल्म के अपने शुरुआती दौर में दबंग खान सर्कस में एक खतरनाक स्टंट करते भी दिखाई देने वाले हैं। वह इसमें मौत के कुएं में स्टंट करते नजर आएंगे। फिल्म में बंटवारे की कहानी है। फिल्म में सलमान खान का रोल एक देशभक्त का होगा। फिल्म में बाप बेटे के भावुकता भरे सीन्स की भी भरमार होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिल्म में बाप बेटे के बीच आपस में ऐसे वादे होंगे जो फिल्म अंत तक उनके इर्द गिर्द ही घूमेगी। फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें सलमान खान और कटरीना कैफ वाघा बॉर्डर पर खड़े नजर आए थे। आखिर में बता दें कि फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद अली अब्बास जफर अपनी तीसरी फिल्म भारत में सलमान खान को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा बटोरा था। बता दें कि फिल्म भारत इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी।